सो रोहित भाई, अपना कॉलेज का वक्त का कुछ है क्या? मैं कॉलेज में ना, हाँ, 11th स्टैंडर्ड में। अच्छा, और मैं कैसा लड़का था? हाँ, संजू देखी ना, हाँ, मतलब जब मुन्ना भाई देखी ना, हाँ, तो मैं मुन्ना भाई बन जाता था। अच्छा, कल होना हो देखी तो मैं शाहरुख खान। अच्छा, मतलब मैं इतना था ना कि उसमें, हाँ, उसका नाम रोहित होता था ना, तो मैं, हाँ, फील करता था कि मैं रोहित हूँ, मेरे लाइफ में कोई अमन आएगा। उतना फिल्मी एक कैरेक्टर था मेरे कॉलेज में, उसका नाम था समीर। अच्छा, अब समीर है ना, अपने बाप से इतना डरता था, इतना डरता था, उसको मतलब सब फट्टू बुलाते थे। अच्छा, हाँ। मेरे को याद है एक बार उसके बाप ने ना उसको बुलाया, हाँ, टीचर ने उसके बाप को बुलाया, हाँ, तो उधर वो बाप और ये बात कर रहे हैं, उसका, हाँ, बाप पक्का सिंधी। अच्छा, तो वो उधर से ना उसको, बिना तू कॉलेज में ये करता है, तू ठहर, मैं तेरे को दिखाता हूँ। अच्छा, तो समीर रोने लग गया। हाँ, अब एक दिन ना मेरी 11th स्टैंडर्ड में ना मेरी गर्लफ्रेंड, अब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ना मतलब क्या हो रहा था कि उसके घर वाले परमिशन नहीं देते थे बाहर जाने को, ये वो, लेकिन मैंने सोचा कैसे तैसे करके कुछ ऐसा हो कि मैं से मिलूं। समीर को मैंने फोन लगाया, बोला हेलो समीर। समीर, हाँ बोल। बोला समीर, अकाउंट्स का मेरा पूरा हो चुका है, तेरे को अगर सीखना है तो बोल, मैं तेरे घर पे आके सिखा सकता हूँ। बोला हाँ डैडी है ना, आज मेरी शिरडी जा रहे हैं, डैडी मम्मी तू आ जा। मैं बोला शिरडी जा रहे हैं पक्का? कोई नहीं यार। मैं बोला हाँ कोई नहीं, पर हम लोग स्टडीज करेंगे। अब मैं, मेरी गर्लफ्रेंड, हम लोग जाते हैं वाइन शॉप, वाइन शॉप जाके वोडका लेकर आते हैं। कभी कुछ पीना पाना नहीं होता था, लेकिन सोचा कि अरे चलो आज पार्टी, सिगरेट और वोडका। ये लेके मैं समीर के घर के अंदर, और समीर, और ये क्या 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 ये सब पागल, ये कौन है लड़की के वो? अरे चलते समीर यार, दिल ना, दिल कच्चा। अच्छा, बोला क्यों? तुझे कॉलेज में तेरा नाम फट्टू रखा है, पता है? तेरे बाप से तेरी फट्टी है, ये बात प्यून भी जानता है। अच्छा, हाँ। तो वो तो है, पर तू क्या फट्टू है? तेरा नाम फट्टू है? हाँ समीर, इज दैट सो? कांशा जरा इसको बताओ कि ये, अच्छा वो टाइम पे ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक दूसरे को आप करके बात करते थे। आकांक्षा जरा आप इनको बताओ कि ये क्या क्या बोल रहा था। तो आकांक्षा जो है, हाँ समीर, मैं शट अप। मैं बोलूंगा, मैं उसके बारे में बोलूंगा, बुराई मत कर, ओके? जब बोलूं तब बोल। तो आकांक्षा, अब आकांक्षा ना एज एन आइडियल गर्लफ्रेंड जाके वार्ड का, समीर बर्फ कहाँ है? और वो यार ये वो, बोला शट अप पट्टू। एक काम, एक बात बता, तेरे अंदर कुछ है या नहीं? अच्छा। कोई अंदर कोई एक तेरे एक आवाज आती है कि समीर इतना बड़ा फट्टू मत बन, ऐसा होता है? अच्छा। मैं बोला हाँ, अंदर से एक आवाज आनी चाहिए तेरे कि समीर तू फट्टू नहीं है। तो वो ओके। अब मैंने बोला कल तू एक काम करेगा, मम्मी डैडी आएंगे, बोला हाँ, क्या तुझे सबसे फेवरेट तेरी सब्जी है बोल। तो बोलते हैं भिंडी। भिंडी कौन बनाता है? बोला मम्मी। तू तेरी मम्मी को बोलेगा कि भिंडी बनाओ। अच्छा। अब भिंडी बनाने के बाद पूरी भिंडी खाएगा, जो लास्ट का निवाला रहता है ना, उसको रख के पेट पे से मारेगा ताल और बोलेगा ये कोई खाना बनाया क्या? समीर भाई के बाहर कितनी इज्जत है तुम लोग का मालूम नहीं है क्या? तू ये करेगा, इससे क्या होएगा? मतलब इससे तू डोमिनेटिंग बनेगा। अच्छा, हाँ। तेरे अंदर का वो बाहर निकलेगा बेवकूफ। अच्छा, हाँ। समीर, हाँ। ये घर किसके नाम पर है? तो अच्छा, घर पे आ गए, अभी घर पे आ गए तुम। नॉमिनी कौन है? हाँ। बोला मम्मी तेरे नाम पर क्या? अच्छा, आकांक्षा प्लीज टेल हिम ये समीर, आई थिंक यू नो यू शट अप। मैं बोल रहा हूँ ना उसको, देख रहा मुझसे कितना डरती है, दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। मेरे घर पे कभी कभी मेरे घर वाले भी मेरे को रोहित भाई बुला रहे हैं।
समझ रहे ऐसा नहीं, अभी देख आज मैं इधर आया हूँ, घर पे पूछा मेरे को कि बेटा कहाँ जा रहा हूँ, तुमको क्या है? अच्छा हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम अपना रिपोर्ट कार्ड से रखो, लेवल में कितना परसेंटेज है, एंड समीर आ गया 80% डर, तू जानता है, और अंदर ही तुम्हारी फटी पड़ी है। अच्छा समीर बोल रहा है, ठीक है, अब बोर्ड का था ना तो मैंने से मतलब स्टाइल मारने के लिए नीट कड़वा लग रहा है तुम, लेकिन तू ऐसा डायरेक्ट पीता है यार, हम तो यार बचपन से पार्टी से तो समीर ने ली दारू, ठीक है, और समीर पी गया, बोला कैसा लग रहा है, हला आज अच्छा लग रहा है, अब समीर इतना बड़ा फट्टू, लेकिन दारू के बाद है ना एक पैक और बना, पैक की जगह एक पैक और बना, और ये लेके ऐसा सिगरेट, और बताता हूँ मैं साला, मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला है, बोल रहे साला 85% का आदमी खुश नहीं है मेरा बाप, तो क्या घंटा होएगा मेरे बाप को भी चिल्लाता आप बना। अब मैंने सोचा समीर राइट, उधर एक रूम मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा किस करने को मिलेगा, ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड, और मेरी गर्लफ्रेंड ना क्या नाटक कर रही है, चल रहा, जैसे उसका हाथ पकड़ा टिंग टोंग मेरी फट गई, रात को मैंने बोला समीर ए तू देख कौन है, अरे बाप रे, मैं बोला अरे पागल, अब समीर के मम्मी डैडी शिरडी गए थे हमको ऐसा बोला, मैं गया हूँ और उसका बाप मुझे देख रहा है और मेरे हाथ में सिगरेट, और मैं उधर, तब मैंने मन में सोचा कि पूरा प्लान जो है ना समीर के ऊपर डाल देता, पूरा जो भी फॉल्ट है ना और अपना निकल जाता, अब मेरी गर्लफ्रेंड समीर अंदर बैठे हैं और समीर ना एकदम ऐसे आता है, समीर क्या हो गया, मैं बोला समीर उसके बाप को बाप हुआ? क्या हो गया उसके बाप को, हाँ। हाँ। तो उसका बाप ये लौंडिया कौन है, बिना तू पढ़ा मेरे को एक बात बता, ये लौंडिया कौन है और तू इधर दारू पीता है, हड़ाम खोड़ हड़ाम जाते ये दिन के लिए तेरे को, उसको पकड़ा कॉलर, ये कॉलर नहीं पकड़ने का समझाना, इज्जत है मेरा दोस्त है मेरा यहाँ पे, हमेशा मेरे को अपना बंदर का वो चाबी वाला बंदर की तरह बना के रखा है। अच्छा। तो समीर के मैं कान में जाके बोला था वो प्रॉपर्टी ये घर में इक्वल हिस्सा चाहिए, समझा ना, मैं बोला और तू तो आके घर पीछे, और तेरा क्या हाल भाई अंत पीछे, ओ गॉड क्या हो रहा है, बोला अंकल ऐसा कुछ नहीं किया, समीर और अंकल वो जो लड़की है ना आपकी बहू, बिना बहू अंकल आपकी बहू और समीर जा रहे थे मंदिर और बोले कि आज शादी करके युगांडा में सेटल होंगे, युगांडा में सेटल होएंगा, कैसा बात करता है तू, लड़की कौन है, बोला अंकल ये जो आप व्यू देख रहे हो मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर अंकल मैंने समीर को बहुत समझाया कि समीर अपने डैडी से बात मत कर, पर अंकल वो मेरी एक ना सुना, मैंने बोला आज अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो बोला कुछ नहीं होता दारू पीते हैं, आप शिरडी गए हो, आपको तो अंकल तू तू करके बात करा था ना, आई वाज लाइक आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, और चिंदी कॉलोनी नहीं गए, अरे अंकल ये गलती ना आपकी है, अच्छा अब उतनी देर में उसकी मम्मी आंटी प्लीज जरा पानी लेकर पानी, अंकल एक बात बताओ आप इसको भेजते हो ये फाल्गुनी पाठक के शो के लिए, वहां पर इसको वो बोलता है बेटा लड़की कौन है, अंकल लड़की सिंधी आए, बोला नहीं अंकल गुजराती है, आपकी है, आपने इसको फाल्गुनी पाठक के शो में इतना भेजते हो, वहां पे जाके नाश्ता तो नहीं डोसा खाते पूरा पैसा पूरा चेरा रमणी परिवार का पूरा इसने पैसा इधर डाल दिया है लड़की के ऊपर, इसकी आपकी इसकी बहू इसकी औरत मैं भी इसकी औरत, बोला क्या बात करता है अंकल, ये लोग का फुल प्लान था शादी वादी करने का, वो तो अंकल मैंने समझाया, मैंने समीर ऐसा मत कर, बोला
भिंडी की सब्जी बनवाऊंगा और बोलूंगा कि ए खाना बराबर बना। तो उसकी मम्मी बोल रही है कौन ये अंकल, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये बात इधर ही रहनी चाहिए ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। उसको मम्मी डैडी भी हाँ देखो पूरा बाजार में जाएगा तो लफड़ा होएगा, और वैसे भी मैं इसके लिए सिंधी सोसाइटी में अच्छा लड़का लड़की ढूंढ रहा हूँ, और ये उधर फाल्गुनी पाटन में पूरा नाम खराब करेगा हमारा। मैंने बोला अंकल मैं इसकी लेके जाता हूँ आपकी बहू को, कल कल मैं लेकर आता हूँ, और कल जो भी करना है शादी तलाक है जो भी है प्लीज तुम्हें आपका नाम क्या है What the fuck रोहित आकांक्षा ना ओके चलो 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 और वो उधर ए तू डरमा आज मैं बोल के अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करने के लिए शेयर करो।